तो भाई स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम देख रहे हैं महिंद्रा थार और ये 4x2 है। आप देख लोगे यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा देखने के लिए, 4x4 हट चुका। तो ये 4x2 वेरिएंट है जो कल ही रिसेंटली लॉन्च किया। वीडियो में इसकी पहले भी बना चुका, पहले भी आपने देखी होगी, बट जो पहले बनाई थी मैंने वो ब्लैक कलर में थी। ये एको मैरिन कलर है और अब प्रॉपर आपको शोरूम पे गाड़ी देखने के लिए मिल जाएगी। तो भाई जो हम ये थार देख रहे हैं ना, ये 1.5 लीटर में है और इस सेगमेंट में हमें मार्केट में काफी गाड़ियां देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे आपका किया सेल्टोस है, क्रेटा है, 1.5 लीटर में काफी इंजन मिल जाते हैं, बट ये मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसके आगे वो टिक पाएंगी। और रही बात जिमनी की, जिस तरह से जिमनी का मार्केट में शोर मचा के जिमनी के कंपिटिटर है, मुझे नहीं लगता ये जिमनी को बीट, जिमनी इसे बीट कर पाएगी। क्योंकि जिमनी के अकॉर्डिंग और इसमें जब आप जिमनी मार्केट में आ जाओगे देखोगे तो जिमनी से तो यार ये बहुत बेटर है। मैं देख के आ चुका, 5 डोर जिमनी ऑटो एक्सपो में आ चुकी है, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है। जिमनी से बीट नहीं कर पाएगी यार। अब आप किसी भी शोरूम पर आकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और भाई गाड़ी का आप पूरा साइड प्रोफाइल चेक कर लो, साइड प्रोफाइल से मतलब गाड़ी में वैसे कोई चेंजेस नहीं है, वही अलॉयज देखने के लिए मिलेंगे हमें जो पहले अलॉयज आ रहे थे थार में। फ्रंट डिस्क है, रेयर आपके ड्रम रहेंगे। थार की बैजिंग यहाँ पे मिलेगी जैसे हमें 4x4 में मिलती है उसी तरीके से यहाँ पे मिलेगी। फेंडर पे आपके इंडिकेटर की प्लेसमेंट है, काफी क्लैडिंग का पार्ट देखने के लिए मिल जाएगा, फुटरेस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ कुछ ऐसे चेंजेस रहे नहीं, चेंजेस आपको दिखेगा यहाँ पे आके इस जगह पे। यहाँ पे देखने के लिए आपको जो 4x4 वहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, 4x2 में किसी भी तरह की कोई बैजिंग नहीं मिलेगी, ये प्लेन मिलेगा ये पार्ट आपको। बाकी रेयर ड्रम मिलेंगे जैसा मैंने बताया, फ्रंट डिस्क है वही रेयर आपको ड्रम देखने मिलेंगे। टायर साइज सेम रहने वाला है, टायर साइज में भी कुछ चेंजेस नहीं करे इन्होंने। टायर साइज आपको 255, 65, 18 टायर साइज देखने के लिए मिलेगा। और फुटरेस्ट वगैरह मैं आपको दिखा चुका, सेम डोर हैंडल्स हैं, ORBM आपका वही होगा, इसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, मैनुअली एडजस्ट होंगे ये। अब आ जाएंगे फ्रंट पे, तो फ्रंट पे आप देखोगे कि जहाँ पे हमें इंडिकेटर और DRL की प्लेसमेंट मिलती वो सेम जगह पे मिलेगी। यहाँ पे DRL है, ये इंडिकेटर, सेम आपको वही हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स मिलेंगे, यहाँ कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। ग्रिल वही है महिंद्रा, यहाँ पे थार जो इसका बम्पर है थार लिखा हुआ मिलता है, वो भी आपको सेम मिलेगा। तो फ्रंट आप पूरा चेकआउट कर सकते हैं कि फ्रंट पे तो हमें कोई इसके ऐसे चेंजेस मिल नहीं रहे। अब आ जाते हैं लेफ्ट साइड पे, इस साइड आएंगे तो आपको यहाँ भी हटा हुआ दिखेगा जो M-Hawk 140 की हमें बैजिंग मिलती थी इसे 4x4 में, क्योंकि 140 BHP है, इसमें हमें पावर मिलेगी 117 BHP, तो 140 वाला बैज भी यहाँ से हट चुका है। और इस साइड बाकी कोई इसमें ऐसे चेंजेस है नहीं, सेम आपको वही फ्यूल लाइट खुलेगा, चाबी से खुलने वाला फ्यूल लाइट मिलेगा, ऐसे एंटीना मिलता था सेम हमें, इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए एंटीना मिल जाएगा FM वगैरह के लिए। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, इंटीरियर में कुछ खास चेंजेस नहीं है, सेम वो की मिलेगी, एक डमी रहेगी, एक आपको सेंटर लॉकिंग के साथ फ्लिप की मिलेगी कुछ इस तरह की। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, ड्राइवर डोर पैनल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे की जगह है, यहाँ अपना जो डोर हैंडल्स हैं ब्लैक मिलते हैं वही ब्लैक मिलेंगे हमें पूरे। बाकी पूरा यहाँ से आप इसका इंटीरियर जो थीम है पूरी ब्लैक पे जो मिलती है हमें वही मिल रही है, कोई चेंजेस नहीं है। ड्राइवर डोर पैनल से स्टार्ट करेंगे, तो ड्राइवर डोर आप यहाँ पे जो देखते थे आपको पहले थार लिखा हुआ मिलता था वही सेम थार की बिल्डिंग मिलेगी। ये लॉक अनलॉक का बटन, ये डोर ओपनर है, ये लॉक अनलॉक का बटन, यहाँ पे ORBM कंट्रोल कर सकते हैं आप, फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली करना होगा हाथ से। ड्राइवर ट्री में आर्मरेस्ट, ये हार्ड टच में मिलेगा, ग्रैब हैंडल और यहाँ वाटर बॉटल स्पेस और कुछ इस तरह की मैनुअल हाइट एडजस्ट, सेमी फैब्रिक सीट्स मिलेंगी हमें जिससे आप मैनुअली हाइट इनकी एडजस्ट कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पे आपका हेडलाइट कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करने के लिए और ट्रिप वगैरह सेट करने के लिए बटन्स यहाँ मिलेंगे। यहाँ आपका आइडल ऑन ऑफ का, ऊपर एसी वेंट, सराउंडिंग आपको गार्निश देखने के लिए मिलेगा और उसके सराउंडिंग आपको ग्लोसी ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलेगा। और चलते हैं गाड़ी के अंदर, भाई स्टेयरिंग कुछ इस तरह का मिलेगा, 3 स्पोक स्टेयरिंग मिलेगा, 4 स्पोक है, 2 स्पोक नीचे है। यहाँ स्टेयरिंग आपको प्लेन मिलेगा विदाउट एनी रैप, यहाँ पे आपका इंफोटेंट कंट्रोल यूनिट, इधर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यूनिट, क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएगा, टोटल 2 एयरबैग मिलेंगे। 4 स्पोक स्टेयरिंग मिलेगा, ये पार्ट आपको कुछ ग्लोसी ग्रे में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपका हेडलाइट कंट्रोल यूनिट, यहाँ वाइपर कंट्रोल यूनिट और यहाँ पे आपका स्टेयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाएगी। स्टेयरिंग आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। एक बार इसका मीटर ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे ही हम थोड़ा सा ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें इसका मीटर देखने के लिए मिलेगा। स्पीड मीटर एनालॉग, RPM एनालॉग, बीच में MID।
तो यहाँ भी कुछ चेंजेस नहीं है, मेन चेंजेस वही है 4x2 और 4x4 का। इस तरह से बोनट व्यू देखने के लिए मिल जाएगा हमें। इन्फोटेन सिस्टम में आपको सारे फीचर मिल जाते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह के, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, सारे फीचर देखने के लिए मिल जाएंगे, जीपीएस, नेविगेशन वगैरह। दो एसी वेंट, यहाँ भी सराउंडिंग गार्निश देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ आपका क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट देखने के लिए मिलेगी, ऑटो नहीं मिलेगा। यहाँ बटन दे दिए गए, एयरबैग का, सीट बेल्ट नोटिफिकेशन, यहाँ हजार्ड लाइट, ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ, यहाँ डिसेंट कंट्रोल, हिल डिसेंट, ये आपका जो ग्लास गाड़ी लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये लॉक, ये अनलॉक। नीचे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, 12 वोल्ट का सॉकेट और एक यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा। 6 गियर लीवर के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर देखने को मिलेगा हमें, 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ। थोड़ा फैब्रिक मिल जाएगा, यहाँ पे खाली जगह मिलेगी जो गियर लीवर मिलता था 4x4 का। और जो गियर कंसोल है, सराउंडिंग गार्निश देखने के लिए मिलेगा, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए, मैनुअल हैंड ब्रेक्स, 2 का फोल्डर, यहाँ भी गार्निश देखने के लिए मिलेगा। गार्निश काफी दिया हुआ गाड़ी में, छोटा सा ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे आपका आईआरबीएम आपको मैनुअल डिमिंग मिलेगा। यहाँ पे आपका सनवाइजर टिकट होल्डर मिलेगा। इस साइड आपको वेंटी मिरर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी गाड़ी इस साइड स्पीकर वगैरह की प्लेसमेंट की हुई है, यहाँ पे स्पीकर मिल जाते हैं, 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं, रीडिंग लाइट व्हाइट मिल जाती है आपको। काफी प्रैक्टिकल गाड़ी है थार, पता है यार आप लोगों को। और सेकंड रो तो आपने देखी हुई है, फिर भी चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ तो हमें कुछ कप होल्डर वगैरह मिलते नहीं, बट एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ हमें 2 पैसेंजर्स की सीट्स मिल जाती है बैठने के लिए। एक बार बूट गेट में तो पता है आपको क्या मिलता है क्या मिलता, फिर भी एक बार आपको इसका बूट गेट ओपन करके दिखा देता हूँ कितना स्पेस मिल जाता है। रियर टेल लैंप्स वही रहने वाले हैं आपके, एलईडी में इंडिकेटर, यहाँ बैकलाइट, थार की बैजिंग मिल जाएगी, रियर डिफॉगर मिल जाएगा आपको, पीछे जो स्पेयर व्हील है वो भी विद अलॉय देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं। और ऐसे इसका बूट गेट ओपन करेंगे तो इसमें तो आपको स्पेस पता है कि थार में सिर्फ जितना बोलते हैं ना 7 सीटर में मिलता है, 6 सीटर में, उतना ही स्पेस देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ 2-3 छोटे मोटे बैग वगैरह आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि यार थार में कहाँ आपको बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। तो जैसे ही बोनट ऊपर करेंगे, ऊपर कोई इंसुलेशन पैडिंग वगैरह तो हमें देखने के लिए नहीं मिलती, बट ये आपका 1.5 लीटर का कुछ इस तरह का इंजन देखने के लिए मिल जाएगा आपको। टर्बो चार्ज इंजन है ये, और इसमें आपको 117 bhp और 300 nm का टॉर्क देखने के लिए मिलेगा। पावर में कहीं कमी लगने वाली नहीं है, क्योंकि 300 nm का टॉर्क तो बहुत बढ़िया मिल जाता है हमें। और भाई 1.5 में काफ़ी गाड़ियाँ हैं, और जिमनी भी लॉन्च हो चुकी है। मैं जिमनी देख आया हूँ, ऑटो एक्सपो में वीडियो भी देख ली होगी आपने आ चुकी है जिमनी की। मुझे नहीं लगता कि जिमनी इसको कहीं भी बीट कर पाएगी भाई, इसकी मार्केट अलग रहेगी। जिमनी आने से इसकी मार्केट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिमनी बहुत ही, जो बॉडी लैंग्वेज है मुझे उसकी पसंद नहीं आई, पर्सनली मैं बताता हूँ। तो मेरे, अगर मेरा ओपिनियन लेगा, मैं अगर स्विच करता हूँ दोनों गाड़ियों में से, तो मैं थार पे स्विच करूँगा। बाकी कुछ इस तरह का हमें इंजन देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई ये था थार का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशन। गाड़ी कैसी लगी कमेंट में बताएं, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, बट गाड़ी एक बार आके विजिट जरूर करें, क्योंकि इस सेगमेंट पे हमें काफ़ी गाड़ियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।